मोहाली में जो फेयर लगा है फर्स्ट टाइम लगा है और बहुत अच्छा लगा है। सरस मेले ने बहुत लाइक किया है, कई दिन तो हो गए थे आके देख रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते ने। फ्री हैं दोनों भी अभी भी, जा देखते हैं बस एंजॉय करने अपना चले जाते हैं। प्यारे लगते हो तुम, मैं पूछांगी कि तुम्हारी अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज है ना, इतनी क्यूट। अरेंज मैरिज है बेटा, प्यार तो फिर हो ही जाता है धीरे धीरे, है ना। इतना प्यार है हमारे में, अंकल बहुत अच्छे हैं, नेचर बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करते हैं। लड़ाई होती है किसी गल को लेकर? हो जाती है कभी कभी, मैं बोलती हूँ अंकल तो बेचारे सुन लेते हैं। लास्टिंग रिलेशन की गल करिए तो कौन सी चीज़ है जो रिलेशनशिप्स को चलाने के काम आती है, जड़ी चीज़ जरूरी है रिलेशनशिप्स? मियाँ बीबी च दोनों च प्यार होना चाहिए, है ना। देखो छोटी मोटी तो नोक झोंक होती रहती है हर फैमिली च हर रिश्ते च, पर अंकल बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे नाल, बहुत प्यार करते हैं। सरस मेले जैसे एक बड़ा ही प्यारा कपल बैठे देखा तो उन्होंने को पहुंच के गल करन दे ली, तुसी बैठे हो थे बड़े प्यारे लग रहे हो, किवें मेला देखना आए? थैंक यू बेटा, थैंक्स। हाँ जी, हम फेयर भी देखने आए हैं और बेटी का स्टॉल भी है यहाँ पर, क्योंकि वो एमसी की तरफ से लगता है और वो ज़रूरतमंदों को देते हैं, चलो मौका कि ये लगाएं, और बहुत अच्छा लगता है। फेयर में आके बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और यहाँ सिंगर भी बुलाए हुए हैं कि जो डेली एक सिंगर आता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं सभी लोग। पर ये मोहाली में जो फेयर लगा है फर्स्ट टाइम लगा है और बहुत अच्छा लगा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा लगाया हुआ है इसके ऊपर कि सभी इंजॉय करते हैं मोहाली एरिया। तुसी भी बेटी नू सपोर्ट करन जाने हो हरेक जगह? मैं भी सरस मेले नू बहुत लाइक किया है, कई दिन तो हो गए थे आके देख रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते ने, अच्छे अच्छे स्टाल लगे हुए ने, तो इंजॉय कर रहे हैं असी। बेटी का भी स्टॉल लगा है अपना, तो एमसी वालों मोहाली एमसी वालों लगता है जगह जगह के उत्ते, कुछ ना कुछ आना जाना बनिया हुआ, सारे आते हैं साढ़े कोल, असी फ्री हैं दोनों भी अभी भी, जा देखते हैं बस इंजॉय करने अपना चले जाते हैं, फुल इंजॉय करते हैं। बड़े प्यारे लगते हो तुम, मैं पूछांगी कि तुम्हारी अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज है ना, इतनी क्यूट। अरेंज मैरिज है बेटा, प्यार तो फिर हो ही जाता है धीरे धीरे, है ना। कहिए तो इन्ना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन च इन्ना खुश है ना, हमारी गोल्डन जुबली हो चुकी है। पिछले साल साड़ी गोल्डन जुबली सी, सारे रिलेटिव आए हुए सी, सारे नु असी इनवाइट किया, बड़े खुश होए सानू, एक किस्म के नाल दोबारा मैरिज की गई, हार गले च एक दूजे दे असी पा के अच्छे संगीत दे नाल एंजॉयमेंट की असी। अच्छा लगता है बेटे, ये तो लक है अपना अपना, जो कि इतना प्यार है हमारे में, अंकल बहुत अच्छे हैं, नेचर बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करते हैं, और बस यही चाहिए होता है और क्या, है ना। लड़ाई होती है किसी गल को लेकर? हो जाती है कभी कभी, मैं बोलती हूँ अंकल तो बेचारे सुन लेते हैं। ये तेज स्वभाव दे ने, मैं शांत स्वभाव दा मां, बेटी बहुत कोऑपरेट करती है साडा, हर जगह दे नाल लेके जांदी है, ते एंटरटेनमेंट हुंदा रहिंदा साडा, टाइम अच्छा पास हो जांदा। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन दी गल करिए ते केड़ी इहो जी चीज़ है जिहड़ी रिलेशनशिप्स नू चलाउण दे काम आउंदी है, जिहड़ी चीज़ जरूरी है रिलेशनशिप्स? बेटा देखो मियाँ बीबी च दोनों च प्यार होना चाहिए, है ना। देखो छोटी मोटी तो नोक झोंक होती रहती है हर फैमिली च हर रिश्ते च, पर अंकल बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे नाल, बहुत प्यार करते हैं। वो इन्हों दे मतलब लाइफ मेरी सिर्फ एक प्यार नाल ही इन्होंने मैं टिकाया कि जेना इन्ना प्यार है, तो बहुत अच्छा लगता है मैं। मतलब इन्ने लॉन्ग लास्टिंग नू रिलेशन नू बना के रखन च केड़ी चीज़ सब तो इंपॉर्टेंट है ताकि रिलेशनशिप्स बचे रहन? साडा आपस दे च प्यार जुड़िया रहे इस तरीके दे नाल कि असी खुशियां मनाते रहिए सदा, असी एक दूजे नू कोऑपरेट करते रहिए ते अगे वधदे रहिए, असी सारे पब्लिक वगैरह दे नाल अच्छी तरह असी मिलना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच।
मच, बहुत चंगा लगा तुम्हारे गल करके। थैंक्स थैंक्स बेटा आपका, आपने हमें इस काबिल समझा। धन्यवाद, तो मिलके भी बड़ी खुशी हुई है सानू। आंटी अंकल की आश करते हैं कि दोबारा भी साड़ी मुलाकात जल्दी होएगी, आपसे मिलें दोबारा। बिल्कुल, थैंक्स बेटा, ओके, लव यू, गॉड ब्लेस यू।